हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने वोटर कार्ड के लिए फॉर्म अप्लाई किया था तो वोटर कार्ड की न्यू लिस्ट आ चुकी है। तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उस वोटर कार्ड लिस्ट में अपना नाम कैसे देखा जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। इसके लिए हम किसी भी ब्राउजर को ओपन करेंगे। तो मैं क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ सर्च बार में टाइप करेंगे NVSP, तो मैं टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद हम सर्च करेंगे, आपके सामने पहले नंबर की वेबसाइट आ जाएगी www.nvsp.in। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब आप राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पर आ चुके हैं और इस पेज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पर आ सकते हैं। तो यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड इलेक्ट्रॉल रोल PDF। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है सेलेक्ट स्टेट, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी जो भी स्टेट होगी यहाँ से चूज कर लेंगे। मैं बिहार का देखना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद नीचे आपको गो का ऑप्शन मिल जाता है, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर थोड़ी देर वेट करेंगे, आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हम थोड़ा जूम करेंगे। जूम करने के बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है असेंबली सेगमेंट। यहाँ पर आपको असेंबली चूज कर लेनी है, तो मैं चूज कर लेता हूँ। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है पार्ट नंबर का, यहाँ पर अपना पार्ट नंबर चूज कर लेना, तो मैं चूज कर लेता हूँ। उसके नीचे आपको कैप्चा कोड दिया है, यहाँ पर आपको कैप्चा कोड टाइप कर लेना है, तो मैं कैप्चा कोड को टाइप कर लेता हूँ। कैप्चा कोड टाइप करने के बाद नीचे ऑप्शन दिया है व्यू का, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम PDF व्यूअर को चूज करेंगे, तो मैं ड्राइव PDF व्यूअर को चूज कर लेता हूँ। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हम वोटर ID लिस्ट देखना चाहते हैं वो हमारे सामने आ चुकी है। तो यहाँ पर हम जूम करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं निर्वाचन का नाम दिया गया है, यहाँ पर पिता का नाम दिया गया है, यहाँ पर गृह संख्या दी गई है, उम्र दिया गया है, उसके सामने आपको वोटर ID संख्या देखने को मिल जाती है। तो इस तरीके से आप अपने स्टेट के किसी भी क्षेत्र की वोटर लिस्ट निकाल सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी टेक्निकल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब